शादी फाइनली हो चुकी है, तो कितने एक्साइटेड है आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्साइटेड तो बहुत थी मैं, अभी ऑलरेडी हो चुकी है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, और साथ ही मैं जेलस भी हूँ क्योंकि रणबीर मेरा क्रश था एंड आई लाइक बोथ ऑफ देम, बट खुशी भी है क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे हम उनकी शादी के लिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बहुत अच्छा है, दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट है। रणबीर तो हमारा फेवरेट है, मेरी बेटी ने रणबीर के साथ एक मूवी भी करी है। अच्छा। या छोटा सा रोल था लेकिन उसके साथ करी। ही इज़ वेरी केयरिंग, वेरी सपोर्टिंग। नाइट शूट था, ही टुक केयर ऑफ माय डॉटर, सो आई एम हैप्पी। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। देखो मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था क्योंकि मेरे को जाने नहीं मिला, मुझे इन्वाइट ही नहीं किया था सालों ने, बट आई देयर दे मेक अ लवली कपल, दे मेक अ लवली कपल एंड शी इज़ देयर बिगेस्ट फैन। लाइक शी वॉज वेटिंग फॉर द पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम सिंस मॉर्निंग, कभी इनके पिक्चर आएंगे, कभी इनके पिक्चर आएंगे, शी वॉज वेटिंग फॉर दम। सो आई दे मेक अ गुड कपल। रणवीर सिंह इज क्रेजी, बट आई वॉन्टेड हिम टू वेयर अ लहंगा फॉर द वेडिंग, ही वोर समथिंग मैनली, दैट इज शॉकिंग। एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि हमारे रणवीर सिंह जो अभी लाइक उन्होंने कितने इतने छोटे साल में उन्होंने इतना ज़्यादा अचीव कर लिया है रणवीर सिंह ने, और स्पेशली उनका खली वली जो निकला था और उन्होंने एक डायलॉग कहा था, लायन ऑफ बॉलीवुड, उन्होंने एक डायलॉग कहा था कि बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है अय्याशी ने, और उन्होंने प्रूफ भी करके दिखाया, उनसे शादी की है उन्होंने। एंड या उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी है, आई लाइक इट, और उनकी शादी के लिए मैं उनको बहुत सारी आई विश दे हैड अ ग्रेट फ्यूचर एंड दे अचीव मोर देन दे हैव ड्रीम्ड। यस, और क्या कह सकते, एक्साइटेड की तो कोई बात नहीं है ऐसा, बट आई कैन विश देम बेस्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर मैरिज, एंड फाइनली आई कैन से दैट खिलजी को पद्मावत मिल ही गई। बहुत खुशी हो रही है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं पहले से ही एक्साइटेड थी इनकी शादी को लेकर, बट मैं सरप्राइज भी, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी शादी कर लेंगे ये लोग, बट मैं बहुत खुश हूँ। बट एक चीज़ मुझे बुरा लगा, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया यार शादी पे। दोनों मेरे फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस है, सबसे नंबर वन एक्ट्रेस दीपिका मेरी है और रणबीर मेरा नंबर वन फेवरेट एक्टर है, लेकिन मुझे नहीं बुलाया यार उन लोगों ने, इसलिए मुझे बहुत दुख है। बट चलेगा, चलो माफ़ किया इसके लिए उन लोगों को मैंने। जी वो तो विराट अनुष्का को कॉपी किया उन्होंने, और कुछ नहीं है, वो जो कॉपी कैट्स। कंपेयर की बात की जाए तो किसकी शादी आपको ज़्यादा पसंद है? नहीं मैं तो गया तो नहीं था, बट फोटो में मेरे को विराट और अनुष्का में मज़ा आया था। नहीं मुझे रणवीर और दीपिका की शादी अच्छी लगी। अच्छा, और बताओ ना रणवीर दीपिका की शादी। कितने टाइम से आप वेट कर रहे थे इनकी शादी को लेकर? दो दिन से। हाँ, पिक्चर्स के लिए, शादी नहीं मान। शी वाज वेटिंग, शी रेड ऑल द कमेंट्स, एक एक जो जन जब जो गंदे लोग भी होते हैं उनके कमेंट्स भी देख के लाइक कर रही है, कटने लोगों के कमेंट्स भी देख के लाइक कर रही है। इट वाज अ गुड वेडिंग, आई फील इट वाज गुड। दे हैव बीन अ गुड कपल एंड दे विल हैव गुड बेबीज, दीपवीर। दे विल हैव गुड बेबी। या बदी विरोष्का यानी कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी भी इटली में ही हुई थी। अगर कंपेयर की बात कर रहे हैं दोनों की शादियों में से, देखिए कंपेयर की बात क्या है, दोनों की शादी अपने अपने जगह पे, दोनों की खुशी उतनी है, वो भी उतने खुश थे, ये भी इतने खुश थे, उनके फैन भी बराबर ही खुश थे, तो कंपेयर जैसे मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि वैसा दोनों का अलग अलग एक्साइटमेंट है। तो ठीक है, वैसे रणबीर दीपिका मेरे ज़्यादा फेवरेट हैं तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उन लोग को लेके, तो और ज़्यादा खुशी है मेरी। दैट्स ऑल। कंपेयरिंगली देखे जाए तो विराट और अनुष्का ने उतना कुछ कहा नहीं अपनी शादी के बारे में, बट दीपिका और रणवीर सिंह ने पूरी दुनिया के सामने बोला है कि हाँ हम प्यार करते हैं, शादी की है, और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे उन दोनों का ही लगा क्योंकि विराट और अनुष्का तो फिर भी उन्होंने कभी पब्लिसिटी की नहीं है अपने प्यार के बारे में, और दीपिका और अपने रणवीर सिंह दोनों ने किया है। सो यार उनकी वेडिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी रणवीर और दीपिका की। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भी काफ़ी अच्छी थी शादी, एंड अनुष्का भी अच्छी है, बट आई एम फैन ऑफ दीपिका एंड रणबीर मोर, सो ऑब्वियसली मुझे उनकी शादी ज़्यादा बेटर लगेगी देन अनुष्का एंड विराट। और क्या विश करना चाहेंगे दोनों की? या ऑब्वियसली आई विश अ हैप्पी मैरिड लाइफ टू देम,
और जैसा था जैसा चल रहा था वैसा ही चले, जितने ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दिए उन्होंने वैसे ही देते रहें। वी ऑब्वियसली फील हैप्पी, जैसे ऑफ स्क्रीन है वैसे ऑन स्क्रीन भी हम फाइंड करते हैं, तो ऑब्वियसली वील सपोर्ट देम टिल लास्ट। मुझे तो बट नेचुरल रणवीर की, क्योंकि मुझे वो पसंद है, और ठीक है वो भी विराट और अनुष्का का भी ठीक है, उतना हाईलाइटेड नहीं था जितना इनका है। वो क्रिकेट की फील्ड के थे तो क्रिकेट के जो सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादा वो चीज़ पे, हम बॉलीवुड के सपोर्टर्स हैं तो बॉलीवुड में ज़्यादा ध्यान है। दोनों ने डेस्टिनेशन वेडिंग की है, यस, सजावट वगैरह की बात की तो वीडियोस आपने देखे ही होंगे, ऑब्वियसली कितना अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा था, स्पेशली वो इटली में उन्होंने जो शादी किया था लाइक क्रिश्चियन टाइप का, सो उसमें रणवीर सिंह वॉज लुकिंग डैम कूल एंड दीपिका पादुकोण एज यूजुअल सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल, लाइक उन दोनों की जोड़ी भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। एंड रणवीर सिंह एज यूजुअल शादी में भी उनका मस्ती भरा सब कुछ चालू ही था, सो यस। हाँ वैसे तो देखा जाए तो अभी तक तो मैंने नहीं देखी है कोई भी वीडियो, बट इट्स अ वेरी गुड प्लेस जितना तक मैंने देखा है इमेजेस। जैसे ही पता चला था वी वर सर्चिंग फॉर इट, तो डेस्टिनेशन तो काफ़ी अच्छी थी, आई लाइक्ड इट। एंड एनीवेज वो अपने आप में अच्छे हैं तो डेस्टिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ भी हो जाती वहीं सभी खुश होते हैं। वो तो बट नेचुरल है, वो तो अच्छी होनी थी क्योंकि एक तो बॉलीवुड स्टार हैं, दूसरा इटली खुद एक ब्यूटीफुल प्लेस है और डेस्टिनेशन मैरिज तो हमेशा ही अच्छी होती हैं, तो चाहे कोई भी करे वो, बट इनके साथ प्लस है कि दोनों आज की डेट में सुपर और नंबर वन पे स्टार्स हैं, तो अच्छा। दोनों की इटली में हुई है और पंजाबी और साउथ इंडियन दोनों तरीके से, तो क्या कुछ कहना चाहिए? क्या कहूँ यार, इडली का भीजा बना के चली जाती थी मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। खैर अच्छा है ना, दोनों अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग ट्रेडिशन में हुए, दोनों के फैमिली भी खुश हैं और फैंस तो भर भर के खुश है यार। नहीं ये तो अच्छा है ना कि कितना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है, ये आप कल्चर को मिक्सचर, ये तो अच्छा है। मेरी भी अपनी इंटरकास्ट मैरिज है तो अच्छा है, ये तो बहुत कुछ है, एक्साइटमेंट करने को रहता है। नहीं तो क्या है कि धीरे धीरे कल्चर से दूर होते जा रहे थे। अब दो कल्चर्स आपने देखा ना, कितने लोग वहाँ, जितने भी लोग होंगे सब लोग डिफरेंट कल्चर देख, ऐसे नहीं मिलता आपको देखने को, आपको एक एक डेस्टिनेशन पे दो कल्चर मिल रहे हैं देखने को, तो सबको करनी चाहिए इंटरकास्ट मैरिज। मेरे हिसाब से तो सबको करनी चाहिए, एटलीस्ट आप दूसरे के रिलीजन को वैल्यू देना सीख जाओगे। कंपेयरिंगली देखे जाए तो विराट और अनुष्का ने उतना कुछ कहा नहीं अपनी शादी के बारे में, बट दीपिका और रणवीर सिंह ने पूरी दुनिया के सामने बोला है कि हाँ हम प्यार करते हैं, शादी की है। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे उन दोनों का ही लगा, क्योंकि विराट और अनुष्का तो फिर भी उन्होंने कभी पब्लिसिटी की नहीं है अपने प्यार के बारे में, और दीपिका और अपने रणवीर सिंह दोनों ने किया है। सो यार उनकी वेडिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, रणवीर और दीपिका की। एग्जैक्टली exactly. ये नया नहीं है, ये तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। इट्स जस्ट दैट हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, बट इट्स गुड दैट शुरू से ही दोनों अपने अपने टर्म्स पे कंफर्टेबल रहे, आई बिलीव इन दैट।